Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. Hello friends, welcome to wifistudy, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इनके number one study channel. वाईफाई स्टडी में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है मंडे टू सैटरडे डेली सुबह 8 बजे अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसके अंदर अपन द हिंदू के साथ में जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है पीआईबी से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट अपने सोर्सेज है सभी को अपन कवर करते हैं. देखते हैं अपने एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें खुद के जानने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो जीके है साथ में अपनी जो नॉलेज है वो इंप्रूव हो सके और अपन काफी अच्छा स्कोर कर सके आने वाले सभी एग्जाम के अंदर. आने वाले 6 महीने के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम है दोस्तों, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जी जान लगा के इन 6 महीने को यूज करें, इन 6 महीनों को अपना 100% दे ताकि आपकी एक नई बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिसके अंदर आप सेलेक्ट होंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको कौन से के अंदर ज्वाइन करना है. ओके तो दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैंने कल आपको दिए थे, उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो था वो था हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंफर्ड विद अ ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड रिसेंटली. ग्लोबल एजुकेशन जो अवार्ड है रिसेंटली किसको दिया गया था, वो अनंत कुमार जी को दिया गया था. सेकंड क्वेश्चन था आपका विच कंट्री अनवील्स मोस्ट एडवांस स्टिल्थ ड्रोन यूएवी CH-7 रिसेंटली. तो मैंने आपको बोला था ऐसे कोई भी काम होते हैं एडवांसमेंट के तो वो चाइना और यूएसए ही करता है और चाइना आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. अगला सवाल था ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हु हैज अप्रूव्ड स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडियन शेयर इन द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो CCEA ने क्या किया था, उसको अप्रूवल दिया था. तो बी आपका यहां पे सही आंसर है. नेक्स्ट है डैश एंड कोची साइन एमओयू विद द कॉर्पोरेशन ऑफ अर्बन प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग ट्रांसपोर्ट सॉलिड वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट. तो किसने करी है, वो विलनेस ने करी है ना, विलनेस और कोची शहर दोनों ने मिलकर आपस में ये कोलैबोरेशन किया है. हु हैज सर्न एज अ चेयरमैन ऑफ मेघालय फर्स्ट लोकायुक्त. तो मेघालय के पहले लोकायुक्त के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रणय कुमार, यानी कि आपका आंसर क्या होगा डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट है इन विच कैटेगरी रेसलर बजरंग पूनिया बिकेम वर्ल्ड नंबर वन रेसलर. तो कौन से कैटेगरी के अंदर 65 kg, यानी कि बी आपका यहां पे सही आंसर है. नेक्स्ट था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. तो किस दिन 7th of November को ऑब्जर्व किया जाता है. सिम्बेक्स के बारे में मैंने आपसे पूछा था, तो सिम्बेक्स देखिए इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या है एक्सरसाइज है. तो आपका आंसर क्या होगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. विच एक्टर हैज ऑनर्ड एज अ डिस्टिंग्विश फेलो बाय इंडियन ग्लोबल एंड लीडिंग यूएस थिंक टैंक दैट वर्क्स ऑन इश्यू कंसर्निंग नॉन रेसिडेंट इंडियंस. तो नॉन रेसिडेंट इंडियन के जो कंसर्न है उनको उठाने को लेकर जो ये अवार्ड दिया जाता है वो अनुपम खेर जी को दिया गया है. तो बी आपके यहां पर बिल्कुल सही आंसर है. With which company United Nations World Food Program has formed a strategic partnership to support efforts eliminate hunger globally by 2030. तो पूरी दुनिया में जो हंगर है उसको भूख को खत्म करने के लिए अलीबाबा ने साथ में फूड प्रोग्राम के साथ में काम कर रहा है. तो आपका आंसर क्या होगा डी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. अब देखते हैं दोस्तों आज का महत्वपूर्ण कोर्स का डे क्या है. अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो. तो दोस्तों अगर आप जीवन में सुकून चाहते हैं शांति चाहते हैं और अपने लाइफ में अगर आप काम पे फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो और स्पेशली जो अपना देश है जैसे कि इंडिया है, इंडिया अपने आप ऐसी कंट्री जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चीजें जो पुरानी चीजें उनको ही अपनाया जाता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि वही करें जो वो चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही चीजें चली आती है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती है कई बार. तो सिंपल सी बात है अगर आप सुकून से जीना चाहते हो और अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो. लोग इधर से सुनो इधर से निकालो, आपको अपनी पढ़ाई करनी है मेहनत करनी है वो काम करो,
बहुत सारे देखिए, अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, 8 लोग आपको हमेशा डीमोरलाइज करने वाले ही मिलेंगे। चाहे आप कहीं पर भी चल जाओ, कौन सी भी सिटी में चल जाओ, किसी भी कैटेगरी में चल जाओ, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है, हमेशा आपको। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि लोगों को तो काम ही है कहना, ठीक है। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर आप अपने करियर के बारे में कब सोचेंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम यह करना है कि लोगों की बातों को बुरा नहीं मानना है। लोग कुछ भी बोले, जो भी बोलते बोलने दो, ठीक है, वो उनका काम है, आपका काम अलग है। तो आप अपना काम करो और मस्त रहो, ठीक है, और एंजॉय करो स्टडीज को जैसे हो सके, हमेशा की तरह स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, वाईफाई स्टडी के साथ में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के द हिंदू का जो अपना फर्स्ट पेज क्या है। और फर्स्ट पेज की बात करूं तो सबसे पहले यहां पे राफेल डील को लेकर बात हुई है कि सेंटर ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने कोई राफेल डील जो है ना वो जल्दबाजी में नहीं करी है। उसने पूरा का प्रोसेस जो है वो भी बताया है कि किस तरीके से 2013 के बाद से 14, 15, 16, 17 किस तरीके से प्रोसेस पूरा का पूरा हुआ है ना, कि किस तरीके से हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाए क्योंकि उसको 2.5 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा था जितना कि फ्रांस की जो कंपनी है डेसॉल्ट वो चाह रही थी, इसीलिए हम एचएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाए, हमने रिलायंस को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और भी कई सारी चीजें। तो उन्होंने पूरे का पूरा प्रोसेस समझाया है, हालांकि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दूसरी बात करें तो यहाँ पे एक दिन लेट हो गए हैं रिपोर्ट देने में, सीबीसी का जो सबमिशन था रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई को जो था, आपको बता ना सीबीआई वाला मुद्दा चल रहा है उसको लेके। यूनियन मिनिस्टर जो है अनंत कुमार, उनकी कल डेथ हो गई है तो इसके बारे में बातचीत करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर 60% ज्यादा पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड करी गई फर्स्ट फेज में, जो कि बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पे एक तूफान की है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपको पता है सीनियर बीजेपी लीडर और यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कौन से यूनियन मिनिस्टर थे? पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थे, ठीक है, ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अनंत कुमार पास दवे। तो रात के 2 बजे इनके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ हो गई और इनके कैंसर था इनके एक्चुअली में, ओके, तो उसके वजह से इनकी डेथ हो गई। तो आपको ध्यान रखना अनंत कुमार जो थे वो कौन थे, वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर थे, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री इनके अंडर में ही थी, तो इनको लंग कैंसर था जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, एडवांस स्टेज के अंदर थी, ओके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक तूफान की बात है, एक ये आप देख सकते हो, आप ये जो कोस्ट है ये तमिलनाडु की कोस्ट, तमिलनाडु की कोस्ट पे एक साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसका नाम है गाजा। अब पेपर में आपसे ये पूछेंगे, ये बताइए गाजा जो है ना ये क्या है, तो आपको बात ध्यान रखनी है ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना। हरिकेन, देखिए साइक्लोन एक ही बात होती है, साइक्लोन बोल लो, हरिकेन बोल लो, टोर्नेडो बोल लो, ये सब नाम होते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि यूएस में इसको हरिकेन बोलते हैं, टोर्नेडो कहते हैं कई कोस्ट के ऊपर, अपने यहाँ पे इसको साइक्लोन कहते हैं, ओके, वैसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। चलिए तो यहाँ पे अब क्या है कि अपन, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना कि गाजा क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। दूसरा, इसको किसने नाम दिया है ये वाला, ये श्रीलंका ने नाम दिया है। अब आप पूछेंगे श्रीलंका ने नाम क्यों दिया है, तो देखिए दोस्तों हुआ क्या था कि 2004 के अंदर एक कन्वेंशन साइन किया गया था जिसके तहत अगर कोई भी इंडियन ओशन में अगर कोई भी तूफान आता है ना, तो अपने जितने भी देश है जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सब क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं, इन कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो उनको नाम दे, ठीक है। तो ये 55वां साइक्लोन था, ये 55वां ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि 2004 के नेमिंग कन्वेंशन के द्वारा इस बार जो इसको नाम दिया गया है वो किसको दिया, श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। तो अगर पेपर में कल को ये सवाल आता है कि बताइए गाजा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कौन से देश के द्वारा नाम दिया गया है, तो मेरे को पता है 90% के 99% बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा कि ये सवाल क्या बन गया है, लेकिन ये जो नाम है श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तमिलनाडु जो पुडुचेरी, वहां से 700 किलोमीटर दूर था इसका जो सेंटर था जहां से ये स्टार्ट हुआ, ओके, और 90 किलोमीटर के आसपास की पर किलोमीटर की इसकी स्पीड भी थी, काफी बारिश भी हुई है कोस्टल एरिया के अंदर इसकी वजह से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चों को इसके बारे में पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अपने शेयर कर दो यार अपने व्हाट्सएप पे सब जगह पे कि जो एक क्लास है वो स्टार्ट हो गई है और सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, बिल्कुल सही बात है, अजीब नाम देते हैं, एक बात बिल्कुल सही बोली है, बिल्कुल सही है आयशा प्रिया, जो ट्रॉपिकल जोन में साइक्लोन आते हैं, बिल्कुल देखिए ट्रॉपिकल जोन में जो साइक्लोन आते हैं वो ट्रॉपिकल ही हम उसे नाम देते हैं ना, बिल्कुल सही है। प्रियंका वर्मा बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अजीब, ठीक है, बहुत ही अजीब नाम होते हैं ये, अपने आप ही नाम दिया गया था कुछ साल पहले, नीलम, एक नीलम भी नाम दिया गया था अपने द्वारा, ओके। चलिए आगे देखते हैं,
नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर चार। पेज नंबर चार की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक जीजापुर को लेकर है। अभी जीजापुर नाम कौन से सिटी का बदलने की बात करी जा रही है, ये भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए एक क्या है, एक प्रो मराठा ब्रिगेड है, संभाजी ब्रिगेड, मतलब महाराष्ट्र के अंदर एक एक पार्टी है, पार्टी बोलेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रो मराठा, जो कि मराठाइज को मराठाज को काफी उनको फेवर करती है उनके काम को लेकर। तो संभाजी ब्रिगेड है, तो उन्होंने क्या किया, एक एफिडेविट वो किया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया है, ठीक है, सबमिट किया है। किस चीज को लेकर, वो चाहते हैं पुणे का नाम बदल के क्या कर दिया जाए, जीजापुर कर दिया जाए। जीजाबाई जो थी वो कौन थी, छत्रपति शिवाजी की मदर थी जीजाबाई, तो उनकी मेमोरी के अंदर ये जो पुणे सिटी है इसका नाम बदल के जीजापुर रखने की बातचीत करी जा रही है। हालांकि होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है, वो तो खैर मुश्किल है क्योंकि पुणे जो है वो अपने आप में काफी बड़ी एक सिटी है जिसको काफी उसकी काफी पुरानी हिस्ट्री है, तो मुश्किल है। लेकिन आज ये मुद्दा उठा इसलिए मैंने आपके सामने रखा है ना। तो छत्रपति शिवाजी की जो मदर है जीजाबाई, उनके नाम के ऊपर ये जीजापुर रखा जा रहा है, जो कि पुणे का नाम बदलने की बात करी जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जीजापुर किसको कहा जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें पेज नंबर पांच की, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। एक तो तेलंगाना असेंबली के जो पोल्स हैं वो जल्दी होने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, देखिए जो है ना चर्च को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। 450 साल हो चुके हैं कैथेड्रल को। अब देखिए क्या है कि आर लेडी ऑफ द होली रॉसरी कैथेड्रल, ये क्या है, ये चर्च है जिसको 450 साल हो चुके हैं, और कर्नाटक के अंदर मैंगलुरु जो है वहां पे ये चर्च है, और बहुत सालों पहले, आज से 450 साल पहले इसको पोर्चुगीज के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो कुमार स्वामी है जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अटेंड किया यहाँ पे सेलिब्रेशन डे अटेंड किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पोर्चुगीज के द्वारा, अब आपसे पेपर में देखिए पूछ सकते हैं, बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है। पहली बात से आप पूछेंगे आपसे कि आर लेडी ऑफ द होली रॉसरी कैथेड्रल कौन से राज्य के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछेंगे कि किसके द्वारा बनाया गया, पोर्चुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, यूरोप या फिर स्पेनिश, किसके द्वारा बनाया गया, तो फिर पोर्चुगीज आपको ध्यान रखना है ना, पोर्चुगीज के द्वारा बनाया गया था। और 1568 में कहा जाता है इन द विक्ट्री ऑफ द वॉर, पोर्चुगीज ने यहाँ पे लैंड हुए उनको वॉर में विक्ट्री मिली, तो 1568 के अंदर इसको बनाया गया, फैक्ट्री चर्च इसको कहा गया, बाद में इसको रॉसरी कैथेड्रल नाम दिया गया। इटालियन ट्रैवलर था एक वैले, उसने विजिट किया था मैंगलुरु 1623 के अंदर, उसने भी मेंशन किया था इसके बारे में काफी कुछ चीजें बताई थी। उसके बाद में टीपू सुल्तान ने इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था एक बार, टीपू सुल्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने 1784 के अंदर इस चर्च को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, लेकिन फिर 1813 के अंदर इसको वापस से बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पैसे दिए थे 4000 रुपए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उस टाइम पे 4000 रुपए बहुत हुआ करते थे, आज के 4000 रुपए नहीं है, ये 18th century के हैं। आपको बताना जो अपन ने अपने जो आजाद हिंद फौज थी, माफ कीजिएगा, जो रिपब्लिकन जो अपनी थी ना, ठीक है, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, चंद्रशेखर आजाद और इन सबकी जो थी, अशफाक उल्लाह खान, तो इन्होंने काकोरी जब कांड किया था, काकोरी के अंदर वो किया था ना, डकैती करी थी जब अंग्रेजों का सामान लूट लिया था ताकि अपने को हथियार चाहिए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम के अंदर जो उसकी वैल्यू हुआ करती थी ना उस पूरे खजाने की, वो मात्र 5000 रुपए थी। मतलब 5000 रुपए की डकैती थी जिसके पीछे उन्होंने फांसी भी दे दी ब्रिटिशर्स ने, और लेकिन उस टाइम पे 5000 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे, है ना। तो वैसे ही 4000 रुपए सेंशन किए थे उस टाइम पे, जो कि आज के टाइम पे तो बहुत कम है लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ पे इसको वापस से कंस्ट्रक्ट किया गया, तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है उसकी जो कि मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इससे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अब, और नेक्स्ट देखते हैं कैथेड्रल के बारे में, आपको पता लग गया होगा 450 साल इसको हो चुके हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी सेलिब्रेशन इसने अभी किया है, तो 450 साल का है ना, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक तो ये श्री सेना और जो श्रीलंका माल और जो ये वाला इंटरनेशनल मुद्दा है इसके बारे में बातचीत है, ओके। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे मालदीव्स को लेकर है, आपको पता है मालदीव्स में थोड़ी प्रॉब्लम चली रही है मालदीव्स के अंदर, तो एक तो उसको लेकर है श्री सेना, श्रीलंका, मालदीव, जहाँ पे 2-3 कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम चल रही है आपको पता है, तो उसी को लेकर है। अभी राजप्रकाश जी है उनको बना दिया गया है, श्रीसेना हट गए हैं, तो एक तो वो वाला मुद्दा यहाँ पे छाया हुआ है श्रीलंका के अंदर, और वैसे ही मालदीव्स के अंदर भी छाया हुआ है आपको बताया। तो ये दो देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं अभी, और इनके बारे में जैसे जैसे कुछ और इन्फॉर्मेशन होती रहेगी, अपन कुछ और इंपॉर्टेंट होगा तो अपन उसके बारे में जान लेंगे। यहाँ पे लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या, ये कि आज यहाँ पे आशिया बीवी को लेकर है। अभी आशिया बीवी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है मुद्दा एक्चुअली में, कि जो कनाडा है ना उसने इनको असाइलम देने के लिए बोला है।
अब यहाँ पे आपको पता है कि एशिया बीबी आशिया बीबी के बारे में कि इनको अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया था, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर ब्लैस्फेमी का केस था। ब्लैस्फेमी का केस होता है कि अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद या उनके खिलाफ अगर कुछ भी बोलते हो तो वहां पे जेल होती है, 2 साल से 15 साल की जेल है वहां पे पाकिस्तान के अंदर। तो इसी का उनके ऊपर इल्जाम था जो कि सुप्रीम हाईकोर्ट ने तो उनको सजा दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस कन्विक्शन से बरी कर दिया था क्योंकि कोई अच्छे स्ट्रांग एविडेंस नहीं थे। अभी लेकिन पूरे पाकिस्तान में उनको लेकर हल्ला मचा हुआ है, पूरी जो इस्लामिक ग्रुप्स है वो काफी सारे एक्टिव हो चुके हैं तो उनकी जान को खतरा है। तो अभी भी वहां पे उन्होंने एम्बेसी के अंदर कहीं पर अपनी जान बचा रखी है और अभी वो पाकिस्तान से बाहर जाना जो है वो उसको उनको बैन कर रखा है कि वो पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकते। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बोला है कि हम उसको उनको असाइलम देने को तैयार है और हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो असाइलम का मतलब होता है शरण देना, असलम का मतलब होता है शरण देना, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात, है ना। चलिए बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे पेपर में पूछेंगे कौन से कंट्रीज है जिन्होंने इनको असलम देने के लिए बोला है तो आपको ध्यान रखना है कि इनके जो हस्बैंड है और जो लॉयर है उनकी बात चल रही थी यूएसए से, कनाडा से, नीदरलैंड से बात चल रही है, नीदरलैंड से भी बहुत ज्यादा बात चल रही है और ऐसे 2-3 कंट्रीज से बात चल रही थी जिसमें खुद आगे होके जो कैनेडियन पीएम है उन्होंने उनको इन्वाइट किया है एज असलम के तौर के ऊपर, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो अबू धाबी की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अबू धाबी की एक फर्म है जो कि डील कर रही है क्रूड को लेकर इंडिया के अंदर। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इसने साइन किया है एमओयू किसके साथ में, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ में, ISPRL के साथ में। किस चीज को लेकर, कि हमारे यहां पे जो है ना कर्नाटका के अंदर एक एरिया है पडूर नाम से, तो वहां पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन को लेकर। तो उस एक्सप्लोर करने को लेकर, पॉसिबिलिटीज को लेकर क्रूड ऑयल की, कहां पे, पंडूर के अंदर, ये साथ में कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि 2.5 मिलियन टन कैपेसिटी है उस एरिया की, तो उसी को दोनों कंपनियां क्या करेगी, वहां पे जो पॉसिबिलिटीज है क्रूड ऑयल की उसको वहां पे तराशेगी और फिर बाद में दोनों के ही काफी फायदा अगर वहां पे मिलता है तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सऊदी अरब के साथ में कर्नाटका के अंदर जो अपन क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो सऊदी, वो किसके, सऊदी माफ कीजिएगा, अबू धाबी के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अबू धाबी फर्म इंक्स डील टू स्टोर इंक इन इंडिया, तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है जो कि आपको ध्यान रखना है ना, ADNOC इसका नाम है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो इन्होंने MOU साइन किया गया है ISPRL के साथ में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल सही है, अबू धाबी बिल्कुल सही है, दुबई की UAE। ठीक है, UAE की कैपिटल दुबई की नहीं है, यहाँ पे परवेज खान बोला अबू धाबी कैपिटल दुबई, तो दुबई की कैपिटल नहीं है वो, UAE की कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, और दुबई उसकी सिटी है जो कि काफी बड़ी है कंपेयर टू बाकी सिटीज के अकॉर्डिंगली। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट देखते हैं जो कि 33rd एशियन समिट हुआ है जो कि कहाँ पे, सिंगापुर के अंदर हुआ है। अब एशियन कंट्रीज के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ, बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी शुरुआत करी गई थी 1967-68 के अंदर। एशियन के अंदर भारत नहीं है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में सवाल आता है कि कौन सा देश है जो कि एशियन का मेंबर नहीं है, उसके अंदर आपके ऑप्शन होते हैं मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, ठीक है, और साथ में इंडोनेशिया और एक इंडिया भी होता है एक, तो इंडिया आपको ध्यान रखना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है पहली बात। तो एशियन का जो मीटिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर के जो PM है ली, ठीक है, वो चेयरमैन रहे समिट के, और जकार्ता में इसका वो है सेक्रेटरेट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे एशियन के मेंबर है, 10 कंट्रीज है जो कि एशियन के मेंबर है, 2 ऑब्जर्वर है, ठीक है, और 10 कंट्रीज। आप ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, ये सारे इसके मेंबर है। अब कई बार आपको समझ में नहीं आती हो कि कौन सा देश कहां पर है, तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूं उसको याद करने की, सारे देश आप याद कर लोगे। ये तो देखो इंडिया है, अभी एक एग्जांपल मान लो आप इंडिया में हो, अभी आपसे आपको इंडिया से वियतनाम जाना है तो कौन कौन से देश पार करने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल सिंपल है, MT और V, ठीक है, MTV। अब देखो कितना आसान है, MTV तो आपको पता ही है, एक चैनल है अपने टीवी के ऊपर आप देखते होंगे। अब देखो M से हो गया आपका म्यांमार, देन थाईलैंड और देन वियतनाम, ये है कंबोडिया और ऊपर की तरफ है लायोस, समझ गए, सिंपल सा। MTV ध्यान रख लो, नीचे कंबोडिया ऊपर लायोस, लायोस ऊपर की तरफ है नीचे कंबोडिया है, उसके बाद बड़ा सिंपल है, उसके बाद तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो हो गया मलेशिया, नीचे हो गया सिंगापुर और बाकी जो बचा हुआ है वो पूरा इंडोनेशिया, सिंपल।
कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये तो मलेशिया है, इधर का और इधर का दो तरीके से हैं, पता ना, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे है मलेशिया, एक राइट हैंड साइड पे है। उसके नीचे जस्ट सिंगापुर है, बिल्कुल छोटा सा एक, और उसके नीचे पूरा का पूरा इंडोनेशिया वाला पार्ट है, फिर यहाँ पे ब्रुनेई उनेई ये सब आ जाते हैं, यहाँ पे फिलीपींस आ जाता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो ये पार्ट याद करने में होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको याद करना है। एमटीवी ध्यान रख लो, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, नीचे कंबोडिया, ऊपर लायोस, पांच देश आसानी से याद हो जाएंगे। और इनके कैपिटल करेंसी तो आपको याद रखनी है, वो तो अपन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बिजली मंत्री ने इंस्पायर 2018 का उद्घाटन किया, तो पीआईबी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो पावर मिनिस्टर जो है उन्होंने इंस्पायर 2018 जो है उसको इनॉग्रेट किया है। क्या है इंस्पायर का पूरा का नाम? प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी इफिशियंसी, इंस्पायर। पूछेंगे आपसे पेपर में इंस्पायर क्या है, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मंत्रालय का है, किसने इनॉग्रेट किया है, फुल फॉर्म क्या है? तो प्रमोट इनोवेशन रिसर्च इन एनर्जी इफिशियंसी, ये सेकंड एडिशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया ईएसएल के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया और मोरक्को ने भी साइन किया है एग्रीमेंट, किसको लेकर? लीगल असिस्टेंस को लेकर क्रिमिनल मैटर के अंदर। तो क्रिमिनल मैटर में एक दूसरे के दोस्त की मदद करेंगे भारत और मोरक्को, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीमेंट हुआ है, और जो अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है किरण रिजिजू, उन्होंने बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वहां पे मीटिंग करी है उनसे, और फिर ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। साथ में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया रिंग रोड एंड बहतपुर एयरपोर्ट रोड, ठीक है, एक तो रिंग रोड करी और एक बाबापुर है, बाबापुर हवाई अड्डे रोड का उद्घाटन किया। तो अभी आपको पता है वाराणसी में कई सारे प्रोजेक्ट है, नियर बाय 2,250 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो कि पीएम मोदी ने क्या किया वहां पे इनॉग्रेट किया है। तो एक नेशनल हाईवे वाराणसी के अंदर जो कि 34 किलोमीटर का है, जो कि 1,500 करोड़ के रुपए से बनाया गया है। इसके अलावा एक रिंग रोड है, इसके अलावा एक बबतपुर वाराणसी रोड है, तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जो कि वहां पे लॉन्च करे गए हैं। इसके अलावा एडीबी इंक्स पैक्ट विद द EESL टू प्रोवाइड $13 मिलियन लोन। तो देखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला के अंदर है, मनाली मत कर देना, मनीला है, ठीक है, मनाली तो इंडिया में है, मनीला फिलीपींस में है। तो एडीपी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने पैक किया है ईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी जो है सर्विस लिमिटेड, उसके साथ में $13 मिलियन का जो लोन है वो दिया है, ताकि अपनी एनर्जी जो है, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपन क्या कर सके, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर सके, यानी कि दूर दूर तक उसको लेके जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईएसएल और एडीबी के बीच में तकाई को नकाई उसके हेड है एडीबी के। चलिए, और भारत भी इसका मेंबर है। एटीपी वर्ल्ड टूर अवार्ड 2018 दिए गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, जिसके अंदर काफी सारे अवार्ड दिए गए, और जोकोविक, नडाल, रोजर फेडरर, ये तीनों जो है वो विनर रहे 2018 के एटीपी वर्ल्ड टूर अवार्ड्स के। तो ये तीन बड़े नाम आपको बताइए, तो ये अवार्ड विनर्स रहे इसके अंदर एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल्स के अंदर, फाइनल्स के अंदर, जो कि लंदन के अंदर दिए गए हैं। जैसे जोकोविक है, उनको कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है ना, वो दो नाम ये ध्यान रखना है, ये पेपर में आएगा सवाल आपके, एटीपी वर्ल्ड टूर नंबर वन किसको मिला है? तो वो जोकोविक को मिला है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर जोकोविक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बात करें और कौन से इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे एक रोजर फेडरर वाला, ये वाला अवार्ड आपको ध्यान रखना है। एटीपी वर्ल्ड टूर डॉट कॉम फैंस फेवरेट कौन है? तो वो रोजर फेडरर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तीन ही आपको ध्यान रखना, नडाल वडाल वाला याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछेंगे आपको। ये तीन कैटेगरी में ध्यान रख लो, दो तुम्हें तो जोकोविक है और एक में फेडरर है, इतना करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला है टीएन गेट सेबी अप्रूवल टू लॉन्च स्टेट शेल्टर फंड, तो तमिलनाडु ने एक सेबी के अप्रूवल से लॉन्च किया है स्टेट शेल्टर फंड, टाइम्स नाउ की इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, तो तमिलनाडु हैज रिसीव द नोट फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया टू लॉन्च स्टेट शेल्टर फंड फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। तो तमिलनाडु क्या चाह रहा है कि जो हमारे हाउसिंग है उसके अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट को रेज कर लें, उसको लेकर उसने क्या बनाया है, एक फंड बनाया है, स्टेट शेल्टर फंड बनाया है। ओके, और तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया, ताकि क्या कर सके, लोग इनके अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सके। तो $350 मिलियन जो है वो रेज करे गए हैं पहले राउंड के फंडिंग के अंदर, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, ये थे दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का पूरा
क्वेश्चन जो कि अपन ने कवरअप किया। फन फैक्ट आज मैं लाना भूल गया, आपको ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने से पहले कौन कौन से हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जा सकते हैं। सुबह 5 बजे भी मैंने आपको एक वीडियो दिया है तो वो भी जरूर देखिएगा, वो भी आपके बहुत काम आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल के समाचारों के अनुसार केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार की मृत्यु हो गई, वह डैश मंत्री थे, कौन से मंत्री थे यह आपको बताना है। अगला सवाल है आपका, विश्व चैंपियन शेल्टर कैंटो मोमेंटो ने चीन ओपन 2018 जीता, वह किस देश से संबंधित है। अगला है, कौन सी चीनी राज्य संचालित प्रेस एजेंसी ने आभासी समाचार पाठकों का अनावरण किया है जो कृत्रिम बुद्धि प्रौद्योगिकी के साथ मानव एंकरों की छवियों और आवाजों को जोड़ती है। कौन सी प्रेस एजेंसी ने यह काम किया है। अगला सवाल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार भारत के किस शहर को भारत के सबसे ज्यादा अति प्रजनन शहर के रूप में स्थान दिया गया है, मोस्ट कंजेस्टेड सिटी ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखते हैं, 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के साथ निम्नलिखित में से किसने हासिल किया है प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2018। अगला है, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 25वां संस्करण किस बंदरगाह में आयोजित किया जा रहा है, तो कौन से पोर्ट पर आयोजित किया गया है द्विपक्षीय जो ये नौसेना अभ्यास हुआ है सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। अगला सवाल है, नासा के अंतरिक्ष उपकरण के नाम जो लुइसी मिशन के साथ 2021 में बृहस्पति के ट्रोजन शुद्ध ग्रह के साथ यात्रा करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मदागास्कर। मदागास्कर के एम्बेसडर कौन अपॉइंट करे गए हैं यह आपको बताना है। और लास्ट है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटेड ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है, तो ये भी आपको बताना है, कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज अपन ने डिस्कस करे। आपके आने वाले एग्जाम के अंदर जो टफ जो क्वेश्चन होंगे वो भी इन्हीं में से आएंगे, सिंपल तो आपको आते होंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सीबीटी 2 के बारे में आप सभी को मालूम है, सीबीटी 2 की जो क्लासेस है वो अनाउंस कर दी गई है और अभी 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अभी जो 9 बजे है आपकी जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास है जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास है जो कि आपके नीरज सर लेंगे, तो 9 बजे बाद आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके बहुत काम आएगी। ओके, इसके अलावा जो सीबीटी 1 है उसका रिजल्ट जो एक्चुअली में जो वो वापस आने वाला है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक आधी नंबर का फर्क पड़ेगा, फायदा ही होगा, नुकसान किसी बच्चे का नहीं होगा ना। तो ज्यादा पैनिक मत करिएगा, ज्यादा प्रॉब्लम मत सोचिएगा कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ठीक है, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बाकी सब जो होगा वो बस आप पढ़ते रहिए वाईफाई स्टडीज से, बाकी चिंता मत करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल वापस मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।